अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास टू इंग्लिश। टॉपिक हमारा क्रो एंड डव। पिक्चर में आपको नज़र आ रहे होंगे क्रो एंड डव सिटिंग ऑन द बेंच। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब वो एक किचन से मायूस होते हैं, फिर वो प्लेग्राउंड से मायूस होते हैं, तो फिर उनको वो जाते हैं सारा के पास, और सारा बिस्किट खा रही होती है और उसके हाथ से बिस्किट जो है वो गिर जाता है। नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि वो दो छोटे जो पत्थर पड़े हुए हैं इनके दरमियान में अटक गया हुआ है। अब वो दोनों क्या कर रहे हैं, उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो कल वो जो देखते हैं कि सारा यहाँ से जाए, तो फिर वो उसको बिस्किट को वहाँ से निकाल कर खाएंगे। आज देखते हैं कि वो कैसे उसको निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर है हमारे पास 42। जी, इट्स टू डीप फॉर आवर बीक्स, इट्स टू डीप फॉर आवर बीक्स। ये हमारे चूंच से ज़्यादा गहरा है। सेट द डव। फाख्ता ने कहा। क्रो थॉट फॉर अ वाइल एंड ब्रॉट अ वायर। क्रो थॉट कवि ने सोचा फॉर अ वाइल कुछ लम्हों के लिए, एंड ब्रॉट अ वायर और एक तार उठाकर ले आया। आपको कवे की चोंच में ये लंबी सी वायर नज़र आ रही है, ठीक है। जब उसने देखा कि हमारी चोंच छोटी है और पत्थर के अंदर बिस्किट ज़्यादा नीचे गहरा है, तो उसके दिमाग में ख्याल आया और जाके वो एक वायर उठा लाया। क्रो बेंट द वायर फ्रॉम वन एंड। क्रो ने उस तार कवा जो उसने तार को आखिर से थोड़ा सा टर्न कर दिया है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा, उसने हल्का सा उसको ऐसे बेंट किया हुआ है। ही ग्रैब्ड द वायर फ्रॉम द अदर एंड विथ हिज बीक एंड डिप्ड इट बिटवीन द टू रॉक्स He grabbed the wire from the other end with his beak and dipped it between two rocks. उसने तार का दूसरा हिस्सा जो है उसे अपनी चोंच से पकड़ा, एंड dipped it between two, उसने दो पत्थरों के दरमियान उसको अंदर की तरफ किया। He pushed the biscuit with the wire। उसने तार के साथ बिस्किट को अंदर की तरफ धक्का दिया। Plop the biscuit came out और आवाज़ के साथ बिस्किट जो है वो बाहर आ गया। They enjoyed the biscuit and flew away। उन्होंने बिस्किट से लुत्फ़ उठाया और वहाँ से उड़ गए। कव्वे ने अपनी अक्लमंदी का मुजाहरा किया और तार के साथ उस दो पत्थरों के दरमियान में से बिस्किट को निकालने के लिए वायर को बेंट किया और बिस्किट को वहाँ से निकाल के दोनों ने अपनी भूख को ख़त्म किया और खुशी से वहाँ से उड़ गए। फिर से पढ़ते हैं। इट्स टू डीप फॉर आवर बीक्स, सेड द डव। क्रो थॉट फॉर अ वाइल एंड ब्रॉट अ वायर। क्रो बेंट द वायर फ्रॉम वन एंड ही ग्रैब्ड द वायर फ्रॉम द अदर एंड विथ हिज बीक एंड डिप इट बिटवीन द टू रॉक्स। ही पुश्ड द बिस्किट विद द वायर। प्लॉप द बिस्किट केम आउट। दे एंजॉयड द बिस्किट एंड फ्लू अवे। आपने देखा कि दोनों जो थे परिंदे, वो काफ़ी परेशान थे भूख की वजह से, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी मेहनत की और सब्र से काम लिया और उनको उनकी भूख मिटाने के लिए खाना मिल गया। और हमें भी ज़िंदगी में अगर कुछ हासिल करना होता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा सब्र और थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए, ताकि आपको आपकी जो कोशिश कर रहे हैं या जिस काम के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं वो पूरा हो जाए, ठीक है। तो हमें भी हर काम के लिए कोशिश करते रहना चाहिए, ज़िंदगी में परेशान
नहीं होना चाहिए। तो ये आज का आपका होमवर्क है, इसको घर में आपने अच्छी तरह से रीड आउट करना है, ये आज का आपका काम है। अल्लाह हाफिज़।